साथियों, मैंने इसके पहले एक वीडियो निकाली थी। मेरी जानकारी सही नहीं थी, इसलिए उस वीडियो को मैंने भेजने से मना किया। आज पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में जो जो मुसलमान ये सुन रहा है कि मलाड के अंदर कल कब्रिस्तान में एक मुसलमान की मैयत, जो कोरोना की बीमारी से इंतकाल हुआ था, उसको दफनाया नहीं गया और उसे जो है जाकर के जला दिया गया। सारे मुसलमानों में बेहद बेचैनी फैली हुई है। मैंने जब वहां मेरा आदमी भेजा पता लगाने की सच्चाई, तो वहां पर मुझे एक गुलाम गरीब नवाज मिले, जिनकी बातों में सच्चाई समझकर मैंने वीडियो निकाल दिया। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल सच्ची सच्चाई है कि जो लोग अस्पताल में गए थे साथ में, जो लोग अस्पताल में थे, जो लोग मैयत को लेकर आए, जो कब्रिस्तान में गए, इन लोगों ने कहा कि हम दफनाने आए थे साथ में, हम मैयत को ले गए कब्रिस्तान में। जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के मिनिस्टर से बात जब तक नहीं होगी हम दफनाने नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा मिनिस्टर तो बहुत है महाराष्ट्र में, कौन सा मिनिस्टर? तो बोले असलम शेख। तो इन लोगों ने जो मैयत को ले गए थे असलम शेख को रात को फोन लगाया, उनका टेलीफोन नहीं उठा। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ यहाँ भागदौड़ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी वहां पे आई और उसके बाद मैयत को वहां के जिम्मेदारों ने दफनाने नहीं दिया। और म्यूनिसपलिटी के लोग, पुलिस के लोग, सब ने बहुत ही ज्यादा मदद किया इसके अंदर। जो शख्स साथ थे, उनके फैमिली के लोग, उन सब लोगों का ये बयान है कि सबकी मदद बराबर हुई, लेकिन कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने कहा हम अपने कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले शख्स को दफनाने नहीं देंगे। तब जाकर के म्यूनिसपलिटी के लोग मजबूर होकर लेके गए और उन्होंने जाकर उसको जला दिया। ये सच्चाई है। मुझे अफसोस है कि यह कब्रिस्तान के जिम्मेदार किसी के बाप की कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान जो है एक जो है सबकी, पूरी कौम और मिल्लत की होती है, लेकिन उसके अंदर वहां के जिम्मेदारों ने अगर उसे वहां पर दफनाने नहीं दिया तो मैं समझता हूं इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है। हम सारे मुसलमान बहुत बेचैन इस बात पर। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं सरकार से और पुलिस से कहूंगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा नहीं जाए इसे। शुक्रिया। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे चैनल को